देश में फिलहाल चुनावी माहौल है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वहीं 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी हैं। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किए, जहाँ उन्होंने PM से लेकर KCR पर निशाना साधा। राहुल ने PM पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक उन पर 24 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो केस नहीं है बल्कि छाती पर टंगे 24 मेडल है। राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी KCR अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्या कभी KCR पर कोई केस लगाए गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये दोनों ही एक हैं। वहीं राहुल ने PM मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी के पास एक रिमोट कंट्रोल है जिसके दो बटन हैं, पहला ED और दूसरा CBI। मोदी KCR को तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं और KCR डर कर बैठ जाते हैं, लेकिन हम अब इन दोनों को हराएंगे, पहले तेलंगाना में फिर दिल्ली में हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, KCR को कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले ये जनता को बता देना चाहिए कि उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया। राहुल ने KCR पर आरोप लगाते हुए कहा कि KCR सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं, जहां पैसे कमाने वाले सभी विभाग KCR ने अपने परिवार में बांट दिए हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर तेलंगाना में आती है तो जो गारंटी कांग्रेस ने जनता को दी है उनमें से 6 गारंटी को पहले ही कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दोराला और प्रजाला सरकार के बीच लड़ाई है। जिस हैदराबाद से KCR करोड़ों की लूट कर रहे हैं, वही कांग्रेस ने हैदराबाद को विकसित किया था और हैदराबाद को IT हब में बदला था।